अरे चलिए रेडी माय गॉड जर्नी इज नाउ बिकमिंग चलिए आइए रेडी थैंक यू बचपन से हाथ पीछे रेड एक मिनट साइलेंस मेरे साथ साइलेंस 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 चिल्लाओ नहीं साइलेंस इधर आ जाओ कोई चिल्लाओ नहीं प्लीज हम सब बताएंगे बताइए जो हुआ है वो तो भूलेगा ही भाई तब तक मैंने इसको बुलाया मैंने पूछो अभी क्या पूछना तुम्हारा अवार्ड कहाँ है अवार्ड लेके आओ अवार्ड लेके आओ एक मिनट अवार्ड लेके आओ बोलो मैंने पैसा लिया आपसे एक रुपया मांगा आपसे अच्छा अवार्ड लाओ अवार्ड दिखाओ यहाँ 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 अवार्ड मैडम मैं आपसे पैसा लिया मैं अवार्ड का भाई मैं बोल रहा हूँ मैं अवार्ड का पैसा नहीं लेता और मैं आपको बोल दूँ जो मेरे भाई के ऊपर लगा है 2 लाख का क्या झाड़ में है पेड़ में आता है क्या पैसा पेड़ हिला दो 2 लाख आ जाएगा दीदी इधर आओ ये बहुत बड़े बॉडी बिल्डिंग करते हैं पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड को रिपेयर करते हैं आपका मैंने दिल्ली में अवार्ड दिया एक रुपया लिया बताना चाहती हूँ मैं इसी मामले में थोड़ा सा की बात बताओ अभी आसन मुझे गूगल में किया है कोई ऐड आता है मैंने अचानक उतना मुझे आइडिया नहीं है हमें तो मीडिया यूज करना भी नहीं आती आप लोगों को किसी को मुझे नहीं पता होगा आई एम द फर्स्ट इंडियन वुमेन इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर मेडल सबसे पहले इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर और काफी ऐसा आता है कि अवार्ड्स के लिए अप्लाई करो मैंने अप्लाई नाम डाला और उसके बाद गोल आता है कि पूरी दुनिया को जाने दो मुझे कोई किसी से डर नहीं है इतना स्ट्रगल स्टेप करके यहाँ तक आई हूँ वर्ल्ड लेवल पे 8 मेडल इंटरनेशनल लेवल पे लेना आसान नहीं है अभी तो पूरी खत्म हो गई हूँ लेकिन मेरी अपनी कंट्री के लिए लाखों खत्म करके मैंने आज ये टाइटल हासिल किया है मेडल लिया हुआ है और यहाँ पे ये बात आ रही हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ अवार्ड्स के लिए अप्लाई जो सोते हैं ना वो फीस मांगते हैं लेकिन मैं आज भाई के साथ क्यों जो रही हूँ हमने अपनी कंट्री के लिए अपनी पॉकेट से पैसा निकाल के फ्लैग नेशनल एंथम गाया है और मेरी इज्जत के लिए उसने मैं इतना पैसा वाला नहीं हूँ फ्लाइट के लिए भी टिकट मुश्किल है अभी और उसकी दिल की मेरे से इन्वाइट आया है तो मैंने सब छोड़ के यहाँ आया है एक रुपया नहीं मांगता और हर जगह के यहाँ पे राजनीति से लेके स्पोर्ट्स से लेके और फिल्म इंडस्ट्री से लेके सबको मिली है जुड़ी हुई है और इतना अच्छा आज तक मैंने नहीं अब आदि आप समझ लिए ये सबको मैंने अवार्ड दिया है आदिल आपके लिए आप थोड़ा बताइए और ये जो बाकी है आप बता दीजिए लेकिन जो भी हो मैं निकल और मेरे ख्याल से भी बहुत अच्छा लड़का है मेरी नजर से तो बच्चा ही है सारे सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा एक अवार्ड जो होता है कोई आके 50 लाख भी दे दे तो अवार्ड नहीं मिलता अवार्ड उनके काम की वजह से या जो भी हो सोशल सर्विस की वजह से अवार्ड मिलता है देखो एक राखी ने एक बहुत गंदा एलिगेशन ऐसे तो बहुत सारे एलिगेशन है वो एलिगेशन में एक एलिगेशन ये है कि आदिल 2-2 लाख रुपए पैसे लेके इनके दादा साहब फाल्के के अवार्ड्स बेचता है बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं अवार्ड कभी भी बिकाऊ नहीं होते अवार्ड शो में स्पॉन्सर्स होते हैं आप स्पॉन्सर्स लेते हो आप अवार्ड्स उनके काम की वजह से देते हैं जैसे इन्होंने बोला जो भी लोग हैं आप पूछ सकते हैं एज अ विटनेस आप इतना घिलोला घिनौना इल्ज़ाम लगाने से पहले आपको सोचना पड़ेगा ये बंदा इतने मेहनत करते हैं मैं इनको बहुत टाइम से तो जानता नहीं हूँ 4-5 बार मैंने मैं मिला हूँ इनको आई नो हिम वेरी वेल तो आपको कंट्रोवर्सी के चक्कर में जब इन्होंने कुछ उनको बोल दिया था कि आप अवार्ड्स में आते हो मेरे अवार्ड्स को किसी किसी को देते हो स्टिकर निकाल देते हो तो
इनके चलते कंट्रोवर्सी लगाने के लिए ये इनको बदनाम करने के लिए बता दिया कि आदिल अवार्ड भेजता है और जो भी है आप इनसे सुनिए। पहली बात तो आदिल को मैंने सिर्फ चार वाली मिला है। साइलेंस साइलेंस विजय सर करो साइलेंस प्लीज। मेरा नहीं, मेरे बच्चे अंदर लेके चले जा बोल दो। मैं खाली इतना ही बोलता हूँ आदिल को चार बार मिला है मैं, राखी सावंत को मैं बहुत बार मिला हूँ। राखी सावंत में क्या कर रहा था दुबई में, ट्रॉफी उठाया निकाला इसको दो इसको दो इसको दो। गौहर खान गुस्सा हो गई थी, सीधा गौहर खान बोला ये क्या हो रहा है कल्याण जी, राखी सावंत का शो है ते वो, ते वो, तेरा शो है। गौहर खान ने बोला यस यस सोच समझ के नहीं, मैं बोल रहा हूँ। गौहर खान गुस्सा गया था, मेरे एक बंदा जाके गौहर खान को पकड़ के लेके आया, ये भी था कि गौहर खान ऐसी चीजों में कभी बढ़ती नहीं है। गौहर खान को पूछेगा जो राखी सावंत सबका गौहर खान वहाँ पर उसका स्टिकर निकल दिया था गौहर खान के। गौहर खान का क्या इस पे कितना सच्चाई है, क्या ये इस बारे में? मैं खाली बोलता हूँ सर, सर सर ना मेरे सवाल का तो जवाब दे, ये बात की बात है, मैं पहले जवाब देता हूँ आपको। स्टिकर निकाल के देना मतलब मैंने नहीं बुलाया, दिस इज नॉट फॉर माई लिस्ट, मेरा लिस्ट में नहीं है ना। स्टिकर निकाल के देना मतलब क्या होता है, किसी को भी दे दो बिना, तो किसी को भी दे रहा था सबका स्टिकर जिसको मैंने बुलाया, 45 स्टार को मैंने बुलाया था, तो कुछ स्टार का नीचे पड़ा हुआ था। मैंने बोला ये तो भाई है टिकट मैंने दिया राखी को, मैंने आदिल को राखी को टिकट मैंने दिया। लेकिन आपने ये पूछा सबसे पहले गौहर मैम से, क्योंकि गौहर मैम बहुत ही फुल गौहर मां, गौहर खान गुस्सा से चली गई थी, वो ट्रॉफी नहीं ले रहा था। कल्याण जी क्या हो रहा है सब बुरा रहे, स्टिकर निकल दिया मेरा। वो कह रहे हैं कि उनका नाम जो तुम्हारा नहीं था स्टिकर नहीं था इसलिए स्टिकर निकल दिया था, ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो स्टिकर निकल के जो भी बंदा देता है वो मेरा लिस्ट में नहीं है, अरे पूरा वो निकल के दे रहा है। तो ये 2 लाख रुपए नहीं बचा है, ये तो सेकंड रो में बैठा हुआ था, सेकंड रो में गौर था अपना राखी सावंत ऐसा आ गया था, ए, इसको दो ऐसा ऐसा ट्रॉफी को ऐसा करके आके ऐसा करके ट्रॉफी को ये ट्रॉफी है, इसका नाम लो। 2 लाख अगर मैंने लिया है इनसे ट्रॉफी का या ये लिया है तो मुझे बैंक अकाउंट नंबर दिखाओ। राखी सावंत के मैं बोलता हूँ मुझे दिखाओ बैंक अकाउंट नंबर जो 2 लाख रुपया आदिल ने लिया या मैंने लिया। आप इतने दिनों से क्यों छुप रहे हैं, आदिल इतने परेशान थे इतने दिनों से, आप क्यों छुप रहे हैं? क्या आप आदिल भाई को मैंने बोला जिस दिन मेरा शो होगा उस दिन बुलाएगा सबके सामने, क्योंकि मेरे को ये लोग नहीं मिलेगा ना, अभी मैं चला जाएगा इसके पास, मीडिया बोलेगा, मेरे पास सबूत नहीं मिलेगा ना, ये सबूत है वो जो लड़की गया वो सबूत है। आदिल पूरा इनोसेंट है राइट, आप ये कह रहे हैं इनोसेंट तो है ही, तब तो इसको फंसाया सीधा बोलता हूँ मैं। एक इंजाम आप पर और लगाया राखी ने, मेरे ऊपर जो लगा है मैं मेहनत करके अपने दांत से फल के बनाया, ये एनजीओ है। जब मैंने भंडारा किया था गरीबों को खाना खिलाया था तब कहा था राखी साहब, एक बार फिर से बोले आदिल इनोसेंट है, इनोसेंट है राइट। ये लड़का को मैं इतना बोलता हूँ चार बार मिला था, इन्होंने बोला कल्याण जी को मैं बड़ा कुछ करेंगे हम लोग, राखी सावंत का मिलने गया था तो रोया था दीदी से मेरा 4 दिन ये बचा है, दीदी मेरा हेल्प करना, मुझे हेल्प करना। उसके मैंने गाड़ी दिया, उसके मैंने 5-star रूम दिया, उसके मैंने 6 टिकट दिया, उसमें इंक्लूड आदिल है दादा। मैंने उसको देने के बाद घुमाने के बाद तुम मेरे ऊपर तुम लगा रहे हो, मतलब मेरे पैसे से घूमने के बाद मेरे ऊपर लगा रहे हो। और एक पॉइंट ये बोल रहे हैं, जब बड़े बड़े स्टार्स सिर्फ 2-3 टिकट लेके इनके लिए आ रहे थे बिकॉज दे वॉन्ट टू सपोर्ट हिम, लास्ट मोमेंट में राखी ने क्या किया, बोला मैं शो में नहीं आऊंगी वरना मुझे 6-7 टिकट चाहिए और 5 रूम चाहिए, 2 कार चाहिए। yes. मैं प्रूफ हूँ इसका, ये बेचारे और टिकट में पूरे बिजनेस क्लास चाहिए, इकोनॉमी नहीं, पूरे बिजनेस क्लास, पैसा नहीं है, हाथ जोड़ लिया था मैं। फिर भी बेचारे ने क्या किया, ऐसे तैसे करके टिकट्स करवाए, रूम करवाए, गाड़ी करवाई, उसके बावजूद वो जो बोल रहे हैं अवार्ड में स्टिकर। हाँ आप पूछ रहे थे एविडेंस, हाँ मैं एविडेंस हूँ, बे मतलब के अवार्ड दे रहे थे
ये पूछ रहे थे ये कौन है, कौन है ये? तो क्या राखी उसके पीछे पैसे वगैरह ले रही होगी? वो नहीं पता है, वो किससे क्या ले नहीं पता, लेकिन उसने अवार्ड उसने दिया है लोगों को, ये नहीं दिया। अवार्ड तो फ्री किसी को नहीं देंगे ना, क्या मैं आपको बुला के फ्री अवार्ड दे दूंगा? दुबई में किसी को फ्री में देगा अवार्ड? लेकिन आपने कहा ज्वेलरी के बारे में आप कुछ कह रहे थे, मैं बता इंटरव्यू दिया आपने। मैं खाली इतना ही बोलता हूँ, जो जो भी उसने गहना वहना जो भी लिया ना, वो लगता है वहां से कमा के लिया। किससे लिया ज्वेलरी? वो मुझे नहीं पता। अवार्ड? हाँ, वो मुझे नहीं पता है। आदिल, आप कुछ कहना चाहोगे इस पे? आदिल, आदिल, गरीब थे उस। देखिए, बेसलेस एलिगेशन करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। ये बिचारे मुझे दुबई में भी बुला के बोला था, प्लीज इनको समझाओ, ये मेरे अवार्ड दे रहे हैं, मेरे 20-25 अवार्ड दे चुके हैं, वो अवार्डीज उधर बैठे हैं, मैं क्या बोलूंगा? मैं नेक्स्ट डे फोन भी किया था आपको, मुझे हिसाब दिखाओ। आदिल बोलो राखी को। आदिल, आपके ऊपर जो भी एलिगेशन ऐसे गलत गलत लग रहे थे, कहीं ना कहीं आप प्रूफ देते जा रहे, जैसे कि आज कल्याण जी जाना ने आपको बरोबर से सपोर्ट के साथ ही साथ आपको कहा कि देखो एक सेकंड, कोई भी मुझे आज की डेट पे बता रहा हूँ, कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, सत्य के साथ खड़े रहे हैं। एक सेकंड, उनको एलिगेशन लगा देंगे तो वो घर में बैठ जाएंगे, और वो डिफेमेशन केस कर रहे हैं अभी। हाँ, मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, केस कर रहे हैं, बिकॉज बनता है। किसी को भी आप नहीं बता सकते कि आप अवार्ड बेचते हो 2 लाख रुपए, उनका ब्रांड का क्या होगा? उनको 500 लोग ने मैसेज किया, वो मुझे फॉरवर्ड कर रहे हैं, पूछ रहे हैं उनको। मैं उसको बोल रहा हूँ, भाई तू कब आएगा बोल। मैंने बोला जब तुम आओगे मेरे पास, जब मेरे पास अवार्ड में लोग होगा, मैं खड़ा करेंगे उनको, उनके मुंह से बुलवाएंगे मैं। भाई तुम बोलो पैसा लिया क्या मैंने? बोलो जरा पैसा लिया क्या मैंने? अरे मैं दिल से करता हूँ, अगर मैं भंडारा करता हूँ ना, अंधेरी आदर्श नगर में 2 साल किया, रोज 12 बजे तो मैं दिल से किया हूँ, घर घर तक अनाज अगर मैं लेके गया तो मैं दिल से लेके गया हूँ, मेरी महादेव ने दिया है। और 3.5 करोड़ का खर्चा होता है ना मेरा, तो मेरा स्पॉन्सर करता है, मैं ट्रॉफी से नहीं करता हूँ। ट्रॉफी से कितना पैसा आएगा? अगर चलो ट्रॉफी दिया, कितना पैसा आएगा? मेरी स्पॉन्सर होता है। और 2 लाख कोई खाने का कम नहीं है बॉस, पेड़ नहीं है, हिलाया और 2 लाख रुपये गिर गया नीचे। भाई 2 लाख, 50,000 पगार नहीं है लोगों का, 4 महीने का काम करने के बाद मिलता है 2 लाख रुपया भैया, क्या 2 लाख ऐसे ही मिल जाएगा? हवा है क्या? हवा, राखी ने बोल दिया हवा की तरह, तो ये 2 लाख। भाई 2 लाख में पैसा होता? 2 लाख उसके लिए 2 लाख वो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो भाई एलिगेशन लगाने के पहले सोच के लगाना पड़ेगा। ऐसे तो बेसलेस एलिगेशन राखी इनपे भी लगाती है कि मैं चाय बेचूंगी और मैं मोदी जी की तरह बन जाऊंगी। एक सेकेंड, बोलने से पहले ये तो सोचो मोदी जी कौन है? पूरी दुनिया में उनकी चर्चा है। क्या आप ये बोलना चाह रहे हो कि आप चाय वालों के बारे में बात करना चाह रहे हो कि वो गरीब बोल? आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? वो मेहनत से आगे आके बने हैं। आप किसी को भी बोल रहे हो बुर्ज खलीफा का मालिक मेरा बॉयफ्रेंड है, गालियां दे रहे हैं लोग उनको, आप किसी पे भी एलिगेशन नहीं लगा सकते। एक और एलिगेशन आप लोग तीनों गैंगअप होके आ रहे हो और उसके ऊपर ग्रुप ने वो सब मत, वो एक सेकंड, गैंगअप नहीं, कोई भी गैंगअप नहीं हो रहा है, सब सच्चे के साथ खड़े। अगर ये भी आज खड़े हैं, वो उनको प्रूफ देने के लिए खड़े हैं, और ये रेडी है जब भी वो बुलाएंगे आके आगे बात करेंगे। मैं तो रेडी हूँ, मुझे अभी बोला मैं अभी आ जाए। कल्याण जी, आर यू गोइंग टू फाइल डेफामेशन केस अगेंस्ट राखी सावंत? आर यू गोइंग टू प्लीज? यस यस, आर यू? मैं आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ, क्योंकि मेरा ब्रांड है ये तो थर्ड पर्सन है, इससे मतलब नहीं है मुझे। लेकिन उनके नाम पे भी उनका नाम खराब किया जा रहा है। अरे ब्रांड किसका है? तुम्हारा चैनल के ऊपर कोई केस करेगा? हमको ब्रांड किसका है? बंद कर दो, ब्रांड किसका है? तुम्हें किसी को बोलता है तुम आदिल से 1 लाख रुपए लेके उसको कवर करते, तुम छोड़ दोगे? छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा। आप बस हो गया तो मैं आई विल फाइल डेफ, तो ये छोड़ दे, मैं तो छोड़ दे क्या? भाई कल्याण जी है, दुनिया को पता है मैं क्या चीज हूँ, पूरी मीडिया को पता है। एक बात कहूंगा, दुबई आके घूम के भी नहीं आ सकते लोग, दुबई में 45 लोग को लेके जाके अवार्ड करना बहुत आसान काम नहीं है, आसान काम नहीं है। एलिगेशन लगाने में लगता है आपको एक सेकेंड, उसको प्रूफ करने में देखो कहाँ कहाँ किस किस को लाके खड़के, कौन से प्लेटफॉर्म में खड़के आपको प्रूफ करने की जरूरत पड़ती है। मैं रोया हूँ दिन भर शो करने के लिए। ये बंदा 2 दिन पहले मेरे पास रो के आए थे, बोले देखो मेरा क्या हो गया, आपको आना? मैं बोला डेफिनेटली मैं आऊंगा, मैं क्यों नहीं आऊंगा? मैंने बोला आओ, बोलो आओ भाई पैसा। और आप खाली इतना पूछ रहा उनको कौन सी बैंक से पैसा दिया और वो 2 लाख रुपए किससे लिया है, वो आदमी खड़ा कर। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? आदिल, नेक्स्ट स्टेप तो मेरा है, आदिल का है, नेक्स्ट स्टेप तो मेरा है। ऊपर एक और इंसान लगा रहे इंस्टाग्राम वाला जो कर रहा है, उसके बारे में मैं एक बात कहूंगा, वो मेरे पे बेसलेस लगा है, वो झूठा है,
कभी भी नहीं था उसके बारे में। मैं कल प्रॉपरली बात करूंगा, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाला हूं, मैं बात करूंगा। बट अभी मैं आया हूं दादा साहब फाल्के के ऊपर जो भी इल्जाम उन्होंने लगाया था घटिया इल्जाम, मैं प्रूफ करने के लिए आया हूं। मैंने प्रूफ किया है और ये बंदा बहुत दिल से अच्छा बंदा है और ही इज अ वेरी 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 नाइस पर्सन एंड बहुत हार्ड वर्किंग बंदा है। किसी को लूटा नहीं है, वो इन्होंने किसी को लूट के पैसा नहीं बनाया है। अगर लूटता था तो एक महीने में शो करने वाला बंदा हूं मैं, तो आता था यहाँ पर शोभंकर इसी जगह पे। एक महीना पहले मैंने शो किया, सब चार लोग आया था। ठीक एक महीने के बाद वापस शो कर रहा हूँ, इसका दुबई कर रहा हूँ, उसका वापस बॉम्बे है, वापस मेरा मलेशिया है। अगर मैं किसे खाता था ना भाई, तो आता था यहाँ पे गेट खोल के पैसा ना मेरा खाया नहीं किसी का। इसलिए सीना ठोक के मैं शो करता हूँ, ना किसी का लिया हूँ तो आता था यहाँ पर ऐसा पकड़ा था ए पैसा ला कल्याण जी, क्यों? क्योंकि लिया ही नहीं है मैंने। आदिल आपके नाम से सोशल मीडिया में लगातार ये कैंपेन चल रहा है जस्टिस फॉर आदिल, क्या कहना चाहोगे? बराबर ना, झूठ के खिलाफ जस्टिस तो मिलेगा ही मिलेगा ना, जैसे मेरा झूठ उभा है जस्टिस है। ये भी खड़े हो जाएंगे जस्टिस पूछेंगे तो गलत है क्या जस्टिस मांगना? थैंक यू। और कुछ ना कुछ, थैंक यू सर, थैंक यू। एक मिनट, बस अभी थैंक यू सो मच, अभी हमारा शोगा कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल सपोर्टर्स, स्पॉन्सर, मेरे एवोडी, मेरे गेस्ट ऑफ ऑनर, मेरे एंकर और मेरे जितने भी लोग हैं उन सभी का मैं नमन करता हूँ। बहुत अच्छा शो हुआ, सिमरन पूरा सिमरन ग्रुप का मैं नमन करता हूँ। आने वाले दिनों में क्या आदिल कोई सॉन्ग में आपके प्रोडक्शन हाउस के द्वारा कोई होने वाले नए सॉन्ग या कोई फिल्म आदिल के साथ मैं शो करेगा और बोलेंगे भाई 2 लाख रुपए लिया ना, तो भाई मुझे एक काम कर राखी सावन, मुझे 2 लाख का कोई बंदा दो। आदिल आज की बात है जो राखी सावन की जो तस्वीर आई है, तुम बहुत परेशान कर रहे हो, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं डेफिनेटली इसके बारे में बात कर रहा हूँ, गलत बात करूंगा, मेरे पास है चीजें बात करने के लिए, मैं प्रॉपरली बात करना चाहता हूँ, मैं प्लीज बात करूंगा। थैंक यू मीडिया, थैंक यू सो मच, लव यू लव यू लव यू लव यू, थैंक यू।